जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन जल, जिसे हम बाण गंगा साथ ही साथ बाल गंगा कहते हैं। आप सब सबसे पहले घर बैठे हाथ जोड़कर दर्शन कर लीजिए। अगर बात करें भक्तों की रौनक की, तो जब मैंने माता रानी की यात्रा दिवाली के टाइम की थी, तो यहाँ पर भक्तों की रौनक मुझे काफी ज्यादा देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम बात करें इस टाइम की, तो थोड़ी सी कमी है भक्तों की। यहाँ पर जो भक्त माता रानी के दर्शन करने आते हैं, वो तो आ ही रहे, लेकिन रौनक थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें स्टोरी की इस बार गंगा की, तो जैसा कि मैंने आपको हर एक डिजिटल यात्रा में बताया है, दिखाया है, समझाया है, तो इस बार भी मैं आपको फिर से बताऊंगा ही। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब माँ भगवती जो है वो भैरव जी से पीछा छुड़ाकर आगे की ओर प्रस्थान कर रही थी, तो उनके साथ हनुमान जी थे। हनुमान जी को प्यास लगा, तो माता रानी ने यहाँ पर तीर चलाकर गंगा को प्रकट किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा बाण गंगा। साथ ही साथ जब हनुमान जी ने अपने प्यास को शांत किया, उसके बाद जाकर माँ भगवती ने यहाँ पर अपने बालों, यानी जो बालों थे ना केस, उसको धोया हुआ था, इसीलिए इसका नाम फिर से पड़ गया बाल गंगा। यानी इस बाल गंगा को हम बाल गंगा और बाण गंगा दोनों कहते हैं। आप मेरे साथ घर बैठे दर्शन कर लीजिए। मेरे जी का चैलेंज था कि आईफोन को अंदर जो है बाल गंगा पर अंदर करके देखा जाए क्या है सिनेमेटिक शॉट्स आईफोन बाल गंगा के अंदर जाकर लगता है। तो मुझे तो लग रहा नहीं कि ठीक है ये, लेकिन देखते हैं। मेरी तो हिम्मत नहीं है भाई, आईफोन इतनी महंगी होती है और इसे डुबाना मेरा तो मन नहीं है। देखते हैं आगे क्लिप में क्या होता है। चलिए, जय माता दी।